हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड। आज मैं आपको बता रही हूँ हैदराबादी नरगिसी कोफ्ते बनाने की रेसिपी। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी आपको बताएंगे हम। चलिए, इसके लिए यहाँ पर मटन ले लिया है मैंने, बिना हड्डी का गोश्त है ये, अप्रॉक्सीमेट 300 ग्राम है। इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, एक मीडियम साइज की प्याज ऐड की है मैंने। पहले सारे इन्ग्रीडियंट्स हम ऐड कर देंगे। चने की दाल, इसे वॉश कर लिया है, ये भी 3 टीस्पून है। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च भी ऐड करना है हमें 1.5 टीस्पून। हम इसे बाद में टेस्ट कर सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट डाल दें। और सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साथ ही इसमें साबित गरम मसाला जाएगा, दालचीनी 2 अदद, 3 इलायची और थोड़ा सा शाही जीरा। और मिक्स करेंगे हम इसमें कर्ड ऐड डालें 2 फुल टेबल स्पून। चलिए, अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे हम ऑयल, 1 to 2 टीस्पून ऐड करें। याद रहे, जब भी आप शामी या कबाब बना रहे हैं, आप जो गोश्त लेते हैं वो थोड़ा चिकनाई वाला होना चाहिए, एकदम उससे बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें डालेंगे हम पानी 1/4 कप। चलिए, अब इसे कवर करेंगे और 5 सीटी आने तक प्रेशर कुक करेंगे, जब तक ये एकदम अच्छे से गल ना जाए। देखिए, कुकर का मैंने लिड लगा दिया है और इसे मीडियम फ्लेम पे रखा है, और इसे 5 सीटी आने तक, अच्छा कुक होने तक हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। देखिए, 5 से 6 सीटी हो गए हैं और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। इसमें थोड़ा पानी है, ये पानी हम ड्राई करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटिंग भी की। फाइनली इसमें हमें लेमन ऐड करना है, तो मैं थोड़ा सा इसे ड्राई करूँगी और उसके बाद इसमें हम आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। चलिए, इसे थोड़ा सूखने देते हैं। ऑलमोस्ट ये ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। बस इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और फिर इसे हम ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे पीसेंगे। ये देखिए, ठंडा हो गया है, हमने जो गोश्त का बनाया था बैटर, अब हम इसे पीस लेंगे। दालचीनी मैंने निकाल दी है पीसने से पहले, और इसे पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, नरगिसी कोफ्ते हमने इसके लिए एग बॉईल कर लिया है और इसे हाफ कर लिया है। पहले मैं आपको बताती हूँ, राउंड बॉल्स भी बनाते हैं इसके प्लेन कोफ्ते, तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें। और आपको जितना साइज पसंद है कोफ्ते का, आप एक ही साइज के बनाना है तो आप स्पून से लेते जाएं, ताकि आपको सेम साइज के कोफ्ते बने। ये देखिए, इस तरह से ये राउंड प्लेन कोफ्ते बनाए हैं मैंने। अब आपको नरगिसी कोफ्ता बनाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस बैटर को हम जो ले रहे हैं एकदम ऐसे पतला लेंगे। अब हम इसमें रखेंगे एक और इसे कवर करेंगे। ये देखिए, इस तरह से दोनों साइड से हमने इसे शामी के बैटर से, यानी कि गोश्त के बैटर से कवर कर दिया है। इसी तरह हम सारे बना लेंगे और इसे पैन में फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से कोफ्ते बना लिए हमने, अब इसे हम फ्राई करेंगे। चलिए, पैन को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, ज़्यादा ऑयल ना डालें, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे ब्राउन होने तक दोनों साइड अच्छे से कुक करेंगे।
लिए थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे और इसका साइड चेंज ताकि एकदम भी ड्राई ना हो जाए और अच्छे से कुक करें। देखिए इस तरह से हर साइड से इसे हमने कुक कर लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे।